सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोडक्ट नॉलेज पे। और आज हम दोबारा बात करने वाले हैं एक और टॉपिक पे, और यहाँ पे ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए टॉपिक है। जो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मतलब बदलती सर्दी खांसी जुकाम लोगों को हो रहा है, इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। जो जैसे ही दूसरे इन्वायरमेंट में, दूसरे माहौल में जाते हैं, ढलते हैं, तो उनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम जकड़ लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, दिल्ली का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को जम्मू का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट सिटीज़ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एलर्जी होती है, उनकी कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसका सॉल्यूशन कहाँ है आज के टाइम पे? वो डॉक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको गोलियाँ या मतलब ड्रग्स आपको बोलेंगे, और कहीं ना कहीं गोली भी आपकी केमिकल बेस्ड ही होती है, तो उसका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पाता है। और बच्चों में ये चीज़ कॉमन है कि उनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम जकड़ता है जब भी मौसम चेंज होता है। तो इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको फ्रूट से मिलता है। अब फ्रूट्स में आप कौन सा बेस्ट फ्रूट होता है इसके लिए? आप अनार यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, आप एप्पल यूज़ कर सकते हो, और आप अंगूर यूज़ कर सकते हो, जिसमें बहुत भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके हेल्प करेगा, मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। दूसरा, आपकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब आप जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे आपकी जो स्किन है उस हिसाब से वो करती है, मतलब सिम्टम्स वो करती है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं आज के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा खुद ही बीमार है, तो हमको कहाँ से ठीक करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर। जैसे ही बच्चों को इंटेक कराते हो आप, जैसे ही जॉब पर्सन को या मतलब किसी पर्सन को किसी भी एज में आप इंटेक कराते हो, तो उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है, उनको विटामिन सी सही मात्रा में मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बूस्ट करेगा। दूसरा, मौसम चेंज होने के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, उसको एलिमिनेट करके बाहर निकालेगा। तीसरा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, स्किन हार्श रहेगी तो उसको भी सही करेगा, स्किन में कोई भी पुरानी प्रॉब्लम हो तो उसको एलिमिनेट करके बाहर निकालेगा, फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर। और उसी के साथ साथ मैं आपसे भी से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो एलोवेरा जो है आपका एलोवेरी नेक्टर मेनली, वो आपको कम से कम 3 महीने पीना है। और अगर आपको जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने पीना है। और अगर आपको सारे के सारे बेनिफिट्स लेने हैं, मतलब स्किन को भी अच्छा रखना है, साथ में आपको सेंसिटिविटी को भी ख़त्म करना है, और उसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना है, तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर यूज़ करना है। आपको बेनिफिट्स तो क्या, आपको A to Z बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप आगे जाके और भी लोगों को इसको शेयर करना स्टार्ट कर दोगे। सो आई गेस आप सभी को यहाँ पे 3 चीज़ों का बेनिफिट, 3 चीज़ों का जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिला होगा। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।